like a Hellcat. एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा एपिसोड 5 खत्म हुआ था। तो हमारे जुनवू का बैलेंस तो बिगड़ ही चुका था एंड एट लास्ट वह अपनी साइकिल के साथ गिर ही जाता है, जिसके बाद सुबिन जुनवू के पास जाती है एंड कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो जुनवू कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, बट आई थिंक मेरी बूम भी ठीक नहीं है। तो सुबिन कहती है कि अच्छा तो तुम्हारी साइकिल का नाम बूमबी है, एंड देन कहती है कि हाय बूमबी आई एम सुबिन। जिसे सुनकर जुनवू वॉज लाइक यार जुनवू तूने फिर से करा ली अपनी बेइज्जती, साइकिल का नाम बताना जरूरी था क्या। आफ्टर दैट ये दोनों साथ में थोड़ी मस्ती करने लगते हैं। वही दूर से रोमी इन दोनों को देख रही होती है एंड देन कहती है कि अच्छा सुबिन तो तुम्हारे साथ ये चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम सुबिन एंड जुनवू को साथ में देखते हैं जो साथ में घर जा रहे होते हैं एंड दोनों के बीच की सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा अजीब थी। सुबिन सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं एंड जुनवू सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं। सुबिन कहती है कि यार सुबिन क्या तू पागल हो गई है, तूने इसे डायरेक्टली आई लाइक यू कैसे कह दिया। वहीं जुनवू कहता है कि उसने मुझे प्रपोज किया है तो मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, बट मैं बोलूं क्या, थिंक जुनवू थिंक मतलब सोच जुनवू सोच कि तुझे क्या बोलना है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से साथ में बोलते हैं, जिसे सुनकर हमारी सुबिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड कहती है कि हाँ जुनवू जो भी बोलना है तुम उसे जल्दी बोलो। बट जुनवू थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं बोलता है एंड सुबिन को देखता रह जाता है। तो सुबिन कहती है कि कहीं ये मुझे रिजेक्ट तो नहीं वाला है, एंड देन कहती है कि जुनवू मैंने तुझे जो भी कहा कि आई लाइक यू तू प्लीज उसे सीरियसली मत लेना, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे मजाक कर रही थी क्योंकि मेरा मूड बहुत खराब था क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे डांट दिया था एंड मैं तो सिर्फ और सिर्फ तेरा रिएक्शन देखना चाहती थी। एंड उसे बाय बोलकर वहां से जाने लगती है। तो जुनवू उसे रोक कर कहता है कि क्या तुम सच में, एंड देन चुप हो जाता है। तो सुबिन कहती है कि शायद जुनवू अब कुछ बोले, बट जुनवू कहता है कि क्या तुम सच में अपना घर छोड़कर जा रही हो, क्योंकि तुमने अपनी मॉम से कहा कि मैं आज के बाद आपके घर नहीं आऊंगी। तो सुबिन कहती है कि इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस एंड वहां से जाने लगती है। एंड देन कहती है कि सुबिन आज तो क्या कर रही है ये तुझे खुद भी पता नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुबिन के जाने के बाद जुनवू भी कहता है कि यार जुनवू क्या तू कोई घूंगा वूंगा है क्या, कि सुबिन के प्रपोज करने के बाद भी तूने उसे कुछ भी नहीं बोला, मतलब ये कर क्या रहा है यार तू। जुनवू जब अपने स्टोर पहुंचता है तो वह देखता है कि हमारी किम जी किसी को लव के ऊपर लेक्चर दे रही होती हैं, जिसके बाद जुनवू भी वहीं पे खड़ा होकर उन्हें सुनने लगता है। किम जी कहती है कि रिलेशनशिप में आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग, एंड अगर तुमने टाइमिंग मिस कर दी ना तो फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यानी अपने लव को भूल जाओ। तो जुनवू कहता है कि अच्छा टाइमिंग मतलब टाइमिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किम जी कहती है कि जुनवू उस छोटी लड़की से बच के रहना क्योंकि वह दिखती बहुत सीरियस आती है, बट वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद जुनवू उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगता है। तो किम जी काफी जोर जोर से बोलती है कि हाँ मैं उसी लड़की की बात कर रही हूँ जिसका एक सुंदर सा एंड लंबा सा बॉयफ्रेंड है एंड जो तेरे साथ तेरी बाइक में बैठकर इस स्टोर तक आई थी। वहीं दूसरी तरफ हम सुबिन को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। तो छान्योल कहती है कि कहीं तेरी मॉम ने तुझे हेड पे तो नहीं मारा कि जो थोड़ी देर के लिए गजनी बन गई हो, मतलब छोटी छोटी बातों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए भूल जाती हो। तो सुबिन कहती है कि हाँ यार मैं तो भूल ही गई कि आज तो मैंने अपनी मॉम से फाइट की है। दाहिन कहती है कि इससे पहले बहुत लेट हो जाए तो अपनी मॉम को कॉल कर एंड उनसे माफी मांग ले एंड जो भी हुआ उसके लिए सॉरी बोल दे। तो सुबिन कहती है कि आज तो मैं घर बिल्कुल नहीं जाने वाली एंड मैं घर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी मॉम खुद मेरे पास नहीं आती है एंड उनसे सॉरी नहीं कहती है, मतलब जब तक मेरी मॉम मुझसे माफी नहीं मांगती है। एंड देन अपनी फ्रेंड से कहती है कि क्या मैं तुम तीनों में से किसी एक के घर में रुक सकती हूँ। तो सुबिन की फ्रेंड्स वॉज लाइक तू कौन है, हम नहीं जानते तुझे, एंड अपने अपने काम में बिजी हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रोमी को देखते हैं जो कि अपना लेवल टेस्ट दे रही होती है एंड जो अपना टेस्ट देकर बाहर आती है तो वह सुबिन की मॉम को टीचर से बात करते हुए देखती है। टीचर कहते हैं कि अगर सुबिन को अकेले पढ़ना ज्यादा पसंद है तो फिर आप उसे फोर्सफुली कोचिंग क्यों भेजती हैं। तो सुबिन की मॉम कहती है कि आप तो जानते हैं कि वो भी छोटी सी बच्ची है एंड कुछ भी नहीं समझती है। तभी वहाँ पे रोमी आती है एंड सुबिन की मॉम से कहती है कि थैंक यू आंटी, क्योंकि सुबिन ने अपनी कोचिंग छोड़ दी तो मुझे एक लेवल टेस्ट देने का चांस मिल गया। तो उसकी मॉम कहती है कि सुबिन ने अपनी कोचिंग छोड़ी नहीं है। तो रोमी कहती है कि बट सुबिन ने तो मुझे यही बताया था, बट कोई नहीं आंटी मेरा ड्राइवर आ गया सो मैं जा रही हूँ, एंड वहाँ से बाय बोलकर चली जाती है। जिसके बाद तो सुबिन की मॉम को और भी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहती है कि तूने अपनी कोचिंग छोड़ दी वो भी इस बिगड़ैल एंड अमीर जादी लड़की के लिए। जुनवू जो अपने स्टोर में होता है तो सुबिन के प्रपोजल को बार बार याद करता है एंड उसकी मतलब सुबिन की पेंटिंग बनाता है एंड भाई क्या कमाल का स्केच करता है हमारा जुनवू, एकदम मस्त वाला। वैसे जब जुनवू ने सुबिन के प्रपोज करने के बाद कुछ बोला नहीं तो फिर उसे याद करने का कोई फायदा नहीं है। तभी वहाँ पे रोमी आती है एंड जुनवू को बाहर से देखकर कहती है कि अच्छा तो हमारी सुबिन इसे पाना चाहती है। जिसके बाद रोमी अंदर जाती है एंड जुनवू से बात करने की कोशिश करती है, बट जुनवू उसे कम्प्लीटली इग्नोर करता है एंड अपने कस्टमर्स के साथ बिजी हो जाता है। रोमी कहती है कि जुनवू अगर तुम्हें कभी भी किसी बुक की जरूरत हो तो तुम मुझसे ले सकते हो, वैसे मैं अपनी बुक्स किसी और को देती नहीं हूँ बट तुम ले सकते हो। तो जुनवू कहता है कि छान्योल मैं तो ये कह रहा था। तो रोमी कहती है कि
मैं और छन्योल। तो जुनबू कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम आई थिंक दाहिन है, सो दाहिन मैं ये कह रहा था। तो रोमी कहती है कि मैं और दाहिन, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या फिर तुम फनी बनने की एक्टिंग कर रहे हो। तो जुनबू कहता है कि देख सोया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, सो प्लीज तू मुझे डिस्टर्ब मत कर। जिसे सुनकर रोमी वॉज लाइक, इसे मेरा नाम नहीं पता है, ब्यूटी क्यून का नाम नहीं पता है। वैसे बात तो सही है क्योंकि सुबिन का नाम तो जुनबू को बहुत जल्दी याद हो गया एक ही बार में, एंड सुबिन के सभी फ्रेंड्स का नाम भी पता है, बट रोमी का नाम नहीं पता, मतलब बिचारी की भारी बेइज्जती हो गई। जिसके बाद रोमी जुनबू को अपने नाम बताकर वहां से बाहर आ जाती है, एंड बाहर आने के बाद कहती है कि अगर जुनबू मुझे पसंद करता है तो फिर उसे मेरा नाम क्यों नहीं पता है। एंड देन कहती है कि कोई नहीं, क्योंकि सभी लड़के भुलक्कड़ होते हैं एक नंबर के। अरे भाई कोई बताओ इसे कि गलत फहमी में जी रही है, क्योंकि जुनबू उसे नहीं बल्कि सुबिन को लाइक करता है। तभी जुनबू रोमी को उसकी बुक देने आता है, तो रोमी के डैड कहते हैं कि अच्छा तो तुम रोमी के फ्रेंड हो, मैं उसका डैड हूँ। आफ्टर दैट रोमी अपने डैड से कहती है कि आपको उससे बात करने की क्या जरूरत थी, एंड आपने उसे क्यों बताया कि आप मेरे डैड हैं। एंड रोमी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसने अपने डैड को हर जगह अपने ड्राइवर बता के रखा है। सेम नाइट अगेन जुनबू मावियोंग के अकेडमी में फूड डिलीवरी करने जाता है, एंड संघून से बात करने की कोशिश करता है। तो संघून कहता है कि देख मैं तेरे मैटर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, एंड मैं तुझसे दूर रहना चाहता हूँ, मतलब तुझसे नहीं तेरे मैटरों से दूर रहना चाहता हूँ। तो जुनबू कहता है कि देख संघून, मुझे ये पता है कि तुझे ये पता है कि मावी योंग ने ही सर की वॉच चुराई है, एंड तू मावी योंग को अभी भी इस बात के लिए चिढ़ाया करता है। एंड मुझे ये भी पता है कि तू ये बात किसी को नहीं बताने वाला है, बट तू सही टाइम का इंतजार कर रहा है कि कब सही टाइम आए एंड मैं इस बात को सभी को बताऊं। तो संघून कहता है कि तू तो है काफी स्मार्ट। तो जुनबू कहता है कि प्लीज क्या तू मुझे बता सकता है कि उस दिन क्या हुआ था। जिसके बाद संघून जुनबू को सभी बातें बताता है, एंड उससे कहता है कि पहली बार नहीं है जब जुनबू ने नहीं मावी योंग ने ऐसा किया है। इससे पहले कई बार भी मावी योंग ने ऐसी हरकतें कर चुका है, बट हर बार उसकी मॉम उसकी करतूतों पर पर्दा डाल देती है। आई होप कि मेरे पास भी ऐसी मॉम होती। संघून कहता है कि जब मावी योंग को गुस्सा आता है ना, या फिर वो उदास होता है, तो पागल हो जाता है, उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो कर क्या रहा है। तो जुनबू अपने मन में कहता है कि कोई नहीं मावी योंग, तुम मेरा वेट करो क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से पर्दाफाश करूंगा एंड सभी को बताऊंगा कि आखिर तुम हो कौन। वही दूसरी तरफ हम सुबिन को देखते हैं जो कि छन्योल के घर में होती है एंड अपनी मॉम से बातें कर रही होती है थ्रू चैटिंग, बट वो दोनों वहां पे भी लड़ाई कर रही होती हैं। तो सुबिन कहती है कि मॉम अब मैं 18 की हो गई हूँ एंड मैं अकेले लाइफ जी सकती हूँ। सुबिन कहती है कि अरे यार मैं अपनी मॉम को ये क्या मैसेज कर रही हूँ, मेरी उंगलियां अपने आप आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं एंड कुछ भी टाइप करते जा रही हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहां पे दाहिन एंड सोया आती हैं, जिसके बाद सभी फ्रेंड्स मिलकर पैजामा पार्टी करती हैं। तभी कीते सोया को मैसेज करता है एंड उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे अभी तक गुस्सा है, आई एम रियली माय जानू बेबी सोना मोना गुच्चू पुचू एंड बच्चा, बट मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ एंड मैं तब तक अपने घर नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझसे आकर बात नहीं करती है एंड मुझसे मिलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जुनबू भी सुबिन के बारे में सोच रहा होता है एंड उसे मैसेज करता है कि क्या तुम सच में आज अपने घर में नहीं हो। तभी ओजे जुनबू को मैसेज करके बताता है कि आज मैं अपने रेस्टोरेंट की फूड डिलीवरी करने जा रहा हूँ छन्योल के घर में, एंड ये किसी और का ऑर्डर नहीं है बल्कि दाहिन का ऑर्डर है, क्योंकि आज पूरी सुबिन गैंग छन्योल के घर में पार्टी कर रही है। जिसे सुनकर जुनबू वॉज लाइक, ये लड़की सच में आज अपने घर में नहीं है। जिसके बाद जुनबू पूरा सुबिन के बारे में सोचता रहता है एंड कहता है कि क्या सुबिन अपने घर गई होगी, एंड देन कहता है कि घर कैसे जाएगी रात को, रात को तो बहुत खतरा रहता है स्पेशली गर्ल्स के लिए। आफ्टर दैट जुनबू एक कॉइन लेता है एंड कहता है कि अगर टेल आया तो फिर मैं छन्योल के घर जाऊंगा एंड सुबिन को उसके घर छोड़ूंगा, एंड अगर हेड आया तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। आफ्टर दैट हेड आता है तो सुबिन कहता है कि बट इसका मतलब तो जाना होता है ना, मतलब मैं सुबिन के पास जाऊंगा, मतलब अगर उसे जाना ही था तो फिर ये हेड टेल की नटंकी करने की क्या जरूरत थी। इसके बाद जुनबू ओजे से छन्योल के घर का एड्रेस लेता है एंड छन्योल के घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोया भी कीते को बता देती है कि मैं छन्योल के घर में हूँ, सो तू प्लीज खड़े मत रह एंड अपने घर जा। जिसके बाद कीते मावी योंग को बता देता है कि आज हमारी सुबिन अपने घर में नहीं बल्कि छन्योल के घर में है, एंड एट लास्ट कीते छन्योल के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद सोया को उससे मिलने जाना ही पड़ता है एंड आफ्टर दैट दोनों का पैचअप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुबिन भी सोचती है कि देख यार आज नहीं तो कल मैं अपने घर तो जाऊंगी ही, फिर मैं आज ही क्यों ना चली जाऊं। एंड जैसे ही वह घर जाने के लिए बाहर निकलती है तो रास्ते में उसे मावी योंग मिलता है एंड कहता है कि चल तुझे मैं तेरे घर छोड़ दूं। तो सुबिन कहती है कि कोई नहीं मैं चली जाऊंगी, तो मावी योंग कहता है कि इतनी रात है तो अकेले कैसे जाएगी। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में घर जाते हैं एंड वही हमारा जुनबू उन दोनों को साथ में घर जाते हुए देख लेता है, मतलब बेचारा जुनबू थोड़ा सा लेट हो गया। जुनबू भी इन दोनों को साथ में जाते हुए देखकर कहता है कि क्या सच में मैं इतना ज्यादा धीमा चलता हूँ। सुबिन एंड मावी योंग जब साथ में घर जा रहे होते हैं तो दोनों साथ में काफी मस्ती करते हैं क्योंकि बचपन के फ्रेंड जो है दोनों। जिसके बाद सुबिन अपने घर जाती है एंड अपनी मॉम को काफी मनाने की कोशिश करती है एंड कहती है कि मॉम मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस बार मैं पक्का मैथ में टॉप करूंगी। एंड फाइनली मॉम एंड बेटी के बीच में भी पैचअप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब मावी योंग अपने घर पहुंचता है ना तो उसके डैड क्या वॉट लगाते हैं उसकी एंड कहते हैं कि हाँ हाँ तू बाहर ही घूम ले, पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है तेरा,
तो माविंग कहता है कि डैड मैं तो सिर्फ और सिर्फ बाहर फ्रेश एयर लेने गया था। माविंग के डैड कहते हैं कि तेरे पुराने क्लास टीचर वापस नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी फिर से तबीयत खराब हो गई है ना। तो माविंग कहता है कि हाँ बट आपको कैसे पता, मैंने आपको बताया था ना कि माविंग के डैड एंड टीचर के बीच में कुछ तो चल रहा है। सुबिन जो अपना फोन ऑन करती है तो उसे उसमें जुनबू का मैसेज दिखता है। तो सुबिन कहती है कि उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे एक मैसेज किया, मतलब अगर वो सच में मेरे लिए परेशान था तो उसे मुझे और भी ज्यादा मैसेजेस करने चाहिए थे एंड क्वेश्चन करना चाहिए था। एंड देन कहती है कि सुबिन तूने उसे आई लाइक यू क्यों बोला यार, पागल थी क्या तू। वहीं दूसरी तरफ जुनबू अपने घर आता है एंड कहता है कि सुबिन तुम झूठी हो क्योंकि तुमने आज मुझे मॉर्निंग में कहा कि माविंग की तुम गर्लफ्रेंड नहीं हो एंड घर तुम उसके साथ जा रही थी, तुम थोड़ी देर तक मेरा वेट तो कर सकती थी ना। एंड देन कहता है कि आज मॉर्निंग में तुमने जो मुझे प्रपोज किया आई थिंक वो भी तुमने झूठी बोला होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा जुनबू सुबिन का वेट कर रहा होता है तभी उसे सामने से दाहिन एंड सुबिन आते हुए दिखती हैं। तो जुनबू कहता है कि अगर मुझे सुबिन से बात करनी है तो मुझे दाहिन को दूर करना होगा। तभी उसे सामने से ओजे आता हुआ दिखता है। तो जुनबू जानबूझकर कहता है कि हाय ओजे, एंड ओजे का नाम सुनते ही हमारी दाहिन सुबिन को छोड़कर ओजे के पास भाग जाती है एंड अब हमारी सुबिन हो गई अकेले। जिसके बाद जुनबू सुबिन से कहता है कि कल तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। एंड देन मन में कहता है कि अगर तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने जुनबू से नहीं माफियोंग से पहले आ जाता। हमारी सुबिन कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे उसकी बाकी फ्रेंड्स आ जाती हैं। तो हमारी सुबिन कहती है कि वैसे जुनबू तुम्हारी बूम भी तो ठीक है ना। जिसे सुनकर उसकी बाकी फ्रेंड्स कहती है कि बूम भी ये कौन है। जिसे सुनकर जुनबू वॉज लाइक यार इन सबको बताने की क्या जरूरत थी, वैसे भी कम बेइज्जती नहीं होती है स्कूल में। हाँ हाँ तुम बता दो, पूरी स्कूल वालों को बता दो। तो सुबिन कहती है कि बुम्बी तो जुनबू के साइकिल का नाम है। तो जुनबू कहता है कि इन्हें क्यों बताया, ये तो हमारा सीक्रेट था ना। तो छान्योल कहती है कि अच्छा बेटा जी तुम दोनों इतना क्लोज आ गए हो कि अब तुम दोनों एक दूसरे से अपना सीक्रेट शेयर करने लगे। आफ्टर दैट वो सभी वहां से जाने लगती है। तो रोमी कहती है कि जुनबू जब भी मुझे देखता है तो पूरा रेड क्यों हो जाता है। तो छान्योल कहती है कि वो तुझे देखकर रेड नहीं हो रहा है बल्कि सुबिन को देखकर रेड हो रहा है। मिस्टर ओच अपनी क्लास पहुंचते हैं तो वह माविंग से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपनी क्लास मतलब क्लास नहीं अपनी सीट चेंज कर लो, बट तुमने तो अपनी सीट नहीं चेंज की। तो माविंग कहता है कि सभी बच्चे मेरी बात से एग्री करते हैं। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि सभी बच्चे मतलब क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो तुम्हारी बात से डिसएग्री करता हो। तो सबसे पहले हमारा हैंड रेस्ट करता है जुनवू एंड कहता है कि मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। जिसके बाद तो हमारी आधी क्लास फिर से हमारे मिस्टर ओ की साइड में आ जाती है। मिस्टर ओ कहते हैं जो माविंग के हिसाब से बैठना चाहता है वो आगे बैठे एंड जो नहीं बैठना चाहता मतलब माविंग के हिसाब से नहीं बैठना चाहता वो पीछे कहीं भी बैठ सकता है अपनी मर्जी से। हमारी दाहिन तो ओजे के साथ बैठ जाती है बट आज जुनबू कहता है कि आज कुछ भी हो जाए मैं तो आज पक्का सुबिन के साथ ही बैठूंगा। बट इससे पहले कि हमारा जुनबू सुबिन के साथ बैठ पाता हमारी रोमी आकर जुनबू के साथ बैठ जाती है। जब सभी बच्चे क्लास में होते हैं तो पहले हमारे जुनबू को प्रिंसांग नहीं पढ़ने देता था बट अब हमारे जुनबू को रोमी नहीं पढ़ने देती है। तभी दाहिन अपने गर्ल्स ग्रुप चैट में मैसेज करती है एंड कहती है कि देखो रोमी एंड जुनबू को कितने लवी डवी कपल लग रहे हैं। तभी सुबिन उन सभी को रोकते हुए कहती है कि पेपर पास में आ रहे हैं सो प्लीज तुम पढ़ाई कर लो एंड मैसेजेस करना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। सुबिन भी जुनबू को देखकर कहती है मतलब जुनबू से नहीं कहती अपने मन में कहती है कि जुनबू क्या तुम सच में रोमी को पसंद करते हो। एंड देन अपने आप से कहती है कि यार सुबिन फिर तूने उसे आई लाइक यू क्यों बोला। ओजे एंड जुनबू जब साथ में कहीं जा रहे होते हैं तो दोनों देखते हैं कि मैथ्स टीचर संघून को अकेले में कुछ पढ़ा रहे होते हैं। तो ओजे कहता है कि बताओ हमारे टीचर का फेवरेट स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि संघून है, लेकिन उन्हें माविंग के डर से हमेशा संघून से अकेले में मिलना पड़ता है वो भी छुप छुप के, जैसे कपल्स नहीं मिलते हैं अपने पेरेंट्स से छुप छुप। जिसके बाद जुनबू माविंग को जानबूझकर कहता है कि तुझे मैथ्स टीचर अपनी ऑफिस में बुला रहे हैं। एंड वहां जाने के बाद माविंग उन सभी की सारी बातें सुन लेता है। संघून कहता है कि टीचर आपका फेवरेट स्टूडेंट तो कोई और नहीं बल्कि माविंग है ना। तो सर कहते हैं कि नहीं रे पागल मेरा फेवरेट स्टूडेंट तो कोई और नहीं बल्कि तू है। ये सब सुनने के बाद भी माविंग अंदर जाता है एंड सर के पास जाकर कहता है कि सर क्या आपने मुझे बुलाया। तो सर कहते हैं कि मैंने नहीं बुलाया तुझे एंड अगर मुझे तुझे बुलाना ही होता तो मैं तुझे सिंपली मैसेज कर देता। जिसके बाद माविंग वहां से बाहर आता है एंड उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एंड अब आपको तो पता ही है कि जब माविंग को गुस्सा आता है तो बिल्कुल पागल हो जाता है, उसे खुद भी नहीं पता होता कि वह कर क्या रहा है। आफ्टर दैट माविंग संघून का लॉकर खोलता है, उसका फेवरेट सूज बाहर निकालता है एंड ले जाकर उसे बाहर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ ये सब जुनबू दूर से देख रहा होता है एंड उसी ने तो किया है ये सब जानबूझकर। एंड आफ्टर दैट वह माविंग से कहता है कि आज मुझे पता चल गया कि तुझे जब भी किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो सामने वाले पर्सन की सबसे फेवरेट एंड प्यारी चीज को चुरा लेता है, या तो चुरा लेता है या फिर उसे खराब कर देता है। तभी तो तूने संघून के सूज को फेंक दिया। तो माविंग कहता है कि ये तो सिर्फ एक प्रैंक है वो भी छोटा सा। तो जुनबू कहता है कि अपने टीचर की वॉच चुराना क्या ये भी तेरे लिए प्रैंक
था, मेरे को स्कूल से बाहर निकलवाने की साजिश रचना, ये भी क्या एक तेरे लिए प्रैंक था? तो मावी ओंग कहता है कि हाँ ठीक है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ये सब करता हूँ, तो तू क्या कर लेगा? तो जिनबू कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, बट मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम उन सभी लोगों के लिए दिल से सॉरी फील करो जिनके साथ तुमने गलत किया है। जिनबू वहां से जाते हुए कहता है कि जैसे तुमने टीचर की वॉच का इंजाम मुझ पे लगा दिया, तो संघून के जूते का इंजाम भी किसी पे लगा ही देना, एंड वहां से चला जाता है। स्कूल ओवर होने के बाद रोबी सुबिन के पास आती है एंड कहती है कि मैं एग्जाम में मतलब लेवल टेस्ट में फेल हो गई, तूने मुझे कराया ना फेल। तो सुबिन कहती है कि मैं क्यों कराऊंगी फेल, मैं तो तेरे लिए कोचिंग छोड़ दी। तो रोमी कहती है कि फिर तूने नहीं किया तो तेरी मॉम ने किया होगा। तो सुबिन कहती है कि रोमी आई थिंक तू अपनी लाइन क्रॉस कर रही है। एंड आफ्टर दैट सुबिन एंड रोमी बस फाइट करने ही वाली थी, बट आपको तो पता ही होगा कि लड़कियों की फाइट कितनी भयानक होती है, मतलब जबरदस्त होती है। लेकिन तभी रोमी नहीं यार, आज मैं कितनी गलतियां कर रही हूँ। लेकिन तभी जुनबू एंड ओजे आकर उन दोनों को रोक देते हैं, जिसके बाद रोमी जानबूझकर घिरने लगती है, तो जुनबू उसे पकड़ लेता है एंड ये सब देखकर सुबिन वहां से चली जाती है। एंड सुबिन को जाता देखकर हमारा जुनबू रोमी को ओजो के देता है एंड सुबिन के पीछे भागने लगता है, जिसे देखकर दाहिन कहती है कि तू प्लीज उसे नीचे रख दे। आफ्टर दैट ओजे रोमी को नीचे रख देता है। सेम नाइट हम मिस्टर ओ को देखते हैं जो कि अभी तक अपने ऑफिस में होते हैं एंड मावी योंग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी को क्लास में देखते हैं एंड अब क्योंकि हमारा जुनबू सुबिन के जस्ट पीछे बैठा होता है, तो बार बार सुबिन की स्केचिंग करता है एंड कुछ पिक आउट स्केचिंग तो काफी अच्छी करता है, बट जैसे ही रोमी उसकी तरफ देखने लगती है तो उसे बार बार अपनी स्केचिंग छुपानी पड़ती है। जुनबू जब अपने स्टोर पे पहुंचता है अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो अपनी मॉम को देखता है, तो उसकी मॉम कहती है कि अब क्योंकि तेरे कल से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, सो तू सिर्फ अभी अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, कुछ दिनों तक मैं तेरी जगह पे तेरा पार्ट टाइम वर्क कर दूंगी। आफ्टर दैट सभी बच्चे यानी कि जुनबू सुबिन मावी योंग कीते एंड बाकी सभी स्कूल फ्रेंड्स पढ़ाई में जुट जाते हैं क्योंकि उनका कल से पेपर होने वाला था। मावी योंग के डैड उसे पढ़ाई के लिए मोटिवेट कम करते हैं, बट उसे फोर्स ज्यादा करते हैं, मतलब बेचारे मावी योंग को अपनी क्लास में जबरदस्ती टॉप करना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी बच्चों को क्लासरूम में देखते हैं जहां वो सभी अपने मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहे होते हैं। तभी सुबिन का पेट दर्द करने लगता है, तो टीचर से कहती है कि मैम क्या मैं नर्स ऑफिस जा सकती हूँ, बट हमारी सुबिन की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि खुद से चल भी नहीं पाती। तभी जुनबू कहते हैं कि टीचर मैं सुबिन को अपने बैग पे ले सकता हूँ, एंड आफ्टर दैट वो सुबिन को अपने बैग पे बिठा कर नर्स ऑफिस ले जाता है। एंड इसी चक्कर में हमारे बेचारे हमारे बेचारे जुनबू को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। जुनबू टीचर से कहता है कि टीचर क्या हम दोनों नर्स ऑफिस में टेस्ट दे सकते हैं? तो टीचर कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते। आफ्टर दैट नर्स सुबिन का ट्रीटमेंट करती है, जिसके बाद दोनों एग्जाम देते हैं, मतलब दूर दूर बैठकर, पास में नहीं, वरना पास में होते तो चीटिंग कर लेते ना। एंड गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने लोग स्कूल में चीटिंग करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। मैं करती हूँ बट कभी कभी, हमेशा नहीं। एंड गाइस कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों से पूछ तो लेते हैं पर खुद कुछ भी नहीं बताते, कहीं आप लोग तो नहीं हो ऐसे। एग्जाम ओवर होने के बाद जुनबू सुबिन के पास जाता है एंड कहता है कि अब तो तुम ठीक हो ना? तो सुबिन कहती है कि हाँ अभी मैं ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। एंड उसे सॉरी भी बोलती है क्योंकि मेरे कारण तुम्हारा पेपर मिस हो गया, मतलब जितना टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा बहुत जो भी हुआ हो। सुबिन कहती है कि मैं अकेले ठीक हूँ सो तुम जा सकते हो। तो जुनबू कहता है कि क्या तुम्हें मेरे यहाँ पे रहने से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? देन कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। तभी जुनबू सुबिन को उसका पेन देता है जो कि नीचे गिरा हुआ था, तो सुबिन उसके हाथ में चोट देखती है एंड कहती है कि तुम्हें तो चोट लगी हुई है, तुम कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए बैठ जाओ एंड अपना ट्रीटमेंट करा के जाना। तो जुनबू कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, तो सुबिन कहती है कि ट्रीटमेंट करा ले वरना इन्फेक्शन हो जाएगा, आयरन मैन नहीं है तू। आफ्टर दैट दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं, तो सुबिन कहती है कि मैंने तुमसे जो भी कहा था उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो जुनबू कहता है कि क्या कहा था? तो सुबिन कहती है कि वही जिसे सुनने के बाद तुम अपनी साइकिल के साथ नीचे गिर गए थे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, एंड क्या तुम उस बात को भूल सकते हो जिसके बाद वह वहां से पानी पीने के लिए चली जाती है। हमारी सुबिन जब प्यूरीफायर से वाटर निकाल ही रही होती है कि तभी वहां पे जुनबू आता है एंड कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, मींस आई लाइक यू टू, एंड मैं ये बात कल ही बोल देता बट पता नहीं मैंने बोला क्यों नहीं। एंड देन कहता है कि सुबिन आई रियली लाइक यू, आई लाइक यू टू, मतलब भाई बस कर उसे कितनी बार बोलेगा, जिसे सुनकर हमारी सुबिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।